राजस्थान के बारां, छिपा, पड़ौत उपखंड एवं तहसील मुख्यालय समेत कई इलाकों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। हरनावदी जागीर निवासी राजेंद्र सिंह सिसोदिया, नवीन कुमार चंदेल आदि ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। सर्दी का सितम जारी है। 2-3 दिन से सर्दी और बढ़ने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मुख्य चौराहों पर शाम ढलते ही लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाकर तापते नजर आते हैं। कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों में अचानक हुए मौसम के परिवर्तन से सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुख्य चौराहों, बस स्टैंड, सुभाष पार्क, हाट चौक, भिस्ती मोहल्ला, हनुमान चौराहे समेत कई अन्य स्थानों पर रात के समय ठंड के बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। मौसम के बदलते मिजाज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में आ रही लगातार गिरावट से गलन भी बढ़ चुकी है। भीषण ठंड के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। सर्दी की दस्तक से तहसील क्षेत्र में स्थित अफीम किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सर्दी बढ़ने से उनकी फसलों को लाभ मिलेगा। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग सुबह शाम अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड पड़ रही है आज का, जबकि भाया ठंड माना 20 साल में ना देखी हालत है हमारी, 40 साल बता। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।